नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से संस्कृत भाषा शिक्षण में संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत में सीटेट 2019 से संबंधित प्रश्नों की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं और ये निश्चित रूप से मान के चले कि इस में एक प्रश्न आपका निश्चित है, परीक्षा में आएगा, श्योर एवं सर्टेन, इसको आप मान के चलिए। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान केन विधिना शिक्षयति अस्म। प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान केन विधिना शिक्षयति अस्म। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को केन विधिना, किस विधि के द्वारा शिक्षयति अस्म, शिक्षा देता था। अगर किसी धातु के अंत में अस्म लिखा हो तो इसका अर्थ होता है भूतकाल लंग लकार था। इसको ध्यान रखिएगा, किसी धातु के किसी क्रियापद के अंत में अगर अस्म लिखा है तो ये मान के चलिए कि वह भूतकाल को बता रहा है। तो किस विधि के द्वारा शिक्षा दिया करता था या पढ़ाया करता था? तो ऑप्शन ए में लिखा है आगमन विधिना, ऑप्शन बी व्याख्यान विधिना, ऑप्शन सी अनुसंधान विधिना, ऑप्शन डी प्रयोगशाला विधिना। तो देखिए, आगमन और निगमन विधि में, आगमन विधि जो है यह व्याकरण विधि है, इसमें व्याकरण के नियमों को, व्याकरण के उदाहरणों को, उसके बाद नियमों को बताया जाता था। तो आगमन विधि का प्रयोग जो है व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाता था। और जो व्याख्यान विधिना है, व्याख्यान विधिना और यह तृतीय विभक्ति का रूप है, आगमन विधि के द्वारा, विधिना माने विधि के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा, तो गुरु जो है अपने शिष्यों को व्याख्या विधि के द्वारा शिक्षा देता था। कोई पाठ को निर्धारित किया जाता था कि जैसे आज जो है क्या पाठ पढ़ाया जाएगा, तो उस पाठ से संबंधित व्याख्या की जाती थी, चर्चा परिचर्चा किया जाता था। तो प्राचीन काल में जो गुरु होता था अपने शिष्यों को वह व्याख्या विधि के द्वारा ही बताया करता था। एक कोई भी प्रसंग हुआ करता था, उस प्रसंग पर विधिवत गुरु जो है अपने शिष्यों के सम्मुख व्याख्या करता था, वर्णन करता था, परिभाषित करता था, उसका अर्थ बताता था। और तब तक बताया जाता था जब तक छात्र गुरु के द्वारा बताए गए उन बातों को ठीक ठीक ढंग से स्मरण नहीं कर लेता था, तब तक गुरु जो है शिष्यों को व्याख्या विधि के द्वारा शिक्षण की क्रिया करता रहता था। तो अर्थात प्रसंख्या एक का ऑप्शन बी सही होगा, व्याख्या विधि के द्वारा गुरु जो है अपने शिष्यों को शिक्षा देता था। अनुसंधान विधि, अनुसंधान का अर्थ होता है क्रिया, ठीक है। और प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का संबंध है प्रयोग के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर। तो प्रैक्टिकल नहीं, न अनुसंधान और न आगमन, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका सबसे ज्यादा सही उत्तर होगा बी, व्याख्यान विधि के द्वारा, ठीक है। अब मैं आपसे प्रश्न संख्या दो की चर्चा करने जा रहा हूं कि व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति ही वर्तते। व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति ही वर्तते। व्याकरण शिक्षण की जो, या माने जो नूतन रीति ही, नूतन माने नवीन रीति है, वह कौन सी है जो व्याकरण शिक्षण में वर्तमान समय में नवीन रीति, नई रीति, ठीक है। क्योंकि व्याकरण शिक्षण प्राचीन और नवीन दो विधियां हैं। प्राचीन शिक्षण, व्याकरण शिक्षण के लिए दो विधि अपनाई गई है, प्राचीन विधि और नवीन विधि। प्राचीन विधि के अंतर्गत पारायण आता था, ठीक है, सूत्र विधि द्वारा पढ़ा जाता था, अव्याकृति विधि द्वारा बताया जाता था, लेकिन नवीन विधि के द्वारा जो है आगमन विधि के द्वारा बताया गया और निगमन विधि के द्वारा। आगमन और निगमन, आगमन विधि में जैसे सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है ना, तो इन विधियों को अपनाया जाता था। तो व्याकरण शिक्षण में नूतन रीति ही वर्तते। तो व्याकरण शिक्षण में नवीन जो रीति है वह आगमन और निगमन रीति है। आगमन और निगमन, पहले छात्रों को उदाहरण दिया जाता था, उसके बाद नियम बताया जाता था। पहले उदाहरण दे करके नियम बताना आगमन है, फिर नियम बता करके उदाहरण बताना वह निगमन है। अर्थात आगमन और निगमन विधि जो है व्याकरण शिक्षण की, यह नवीन रीति है, नई रीति है। समवाय रीति,
यह नहीं होगा, क्योंकि समवाय माने समूह के माध्यम से नहीं पढ़ा जाता था। पाठ्य पुस्तक रीति यह भी नहीं है, यह शिक्षण विधियां हैं। पाठ्य पुस्तक विधि से व्याकरण नहीं पढ़ा जाता था। सर्वाह रीतियाँ ये सभी रीतियाँ, तो यह भी नहीं होगी। अर्थात प्रसंख्या दो का ये सही होगा, आगमन और निगमन विधि से ही व्याकरण शिक्षण की यह नवीन रीति मानी जाती है। फिर प्रसंख्या तीन में लिखा है कि संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली ही अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है, जो संस्कृत शिक्षण में जो हमारे गुरु लोग प्राचीन विधियों को अपनाते थे, इसमें से कौन विधि है? तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि जो है प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला पाठ्यपुस्तक विधि, पाठशाला विधि, सर्वाह विधि। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन जो प्रणाली है, प्राचीन विधि है, वह पाठशाला विधि है। क्योंकि गुरु प्राचीन विधि को हम पाठशाला विधि, परंपरागत विधि, गुरु परंपरा विधि, आश्रम विधि भी कहते हैं, ठीक है ना? तो प्राचीन विधि जो है पाठशाला विधि है। प्राचीन काल में जो हमारे गुरु हुआ करते थे वो आश्रमों में पढ़ाया करते थे छात्र छात्राओं को। तो यह संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि की बात कर रहा है इसमें, न कि और कुछ बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राचीन विधि जो है वह पाठशाला विधि है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता था कि छात्र शिक्षक के समक्ष प्रश्नों को पूछते थे और शिक्षक भी जो है छात्रों से पूछते थे और प्रत्यक्ष रूप से पठन पाठन का कार्य किया जाता था। और पाठ्यपुस्तक यह किताब से और यह डॉक्टर वेस्ट महोदय की पद्धति मानी गई है। डॉक्टर वेस्ट महोदय जो हैं पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक हैं, और सर्वाह तो है नहीं, अर्थात प्रसंख्या तीन का ऑप्शन दो सही हो, ए सी सही होगा, ठीक है। न तो ए सही होगा, न बी सही होगा और न डी। फिर प्रसंख्या चार में लिखा है कि कंठ शुद्धि सुष्ठुच्चारणम, कंठ शुद्धि सुष्ठुच्चारणम लय वेग निर्गलिता चैते कस्यांसा। कंठ शुद्धि, कंठ की शुद्धता, सुष्ठुच्चारणम ठीक, सुष्ठु माने ठीक ढंग से उच्चारण करना, कंठ की शुद्धता ठीक ढंग से उच्चारण करना, लय लय के द्वारा, वेग गति के द्वारा, निर्गलिता निकली हुई, च एते चैते माने च एते और ए कस्यांसा, ये किसके अंश हैं, कस्य अंशाह, तो यह किसका अंश है? जो ऐसा वह कौन सा कौशल है जिस कौशल में यति गति लय ध्वनि और ठीक ढंग से उच्चारण किया जाता है, ऐसा वह किस कौशल के अंतर्गत आता है? लेखन कौशल के अंतर्गत, पठन कौशल के अंतर्गत, वाचन कौशल के अंतर्गत, कोशोपयोग कौशल के अंतर्गत। तो लेखन कौशल के अंतर्गत लेखन का कार्य किया जाता है, पठन कौशल के अंतर्गत पठन पाठन का कार्य किया जाता है, वाचन कौशल के अंतर्गत अध्यापक के द्वारा सस्वर वाचन, लय यति गति आदि के द्वारा ठीक ढंग से उच्चारण किया जाता है। यह कंठ शुद्धि को बताता है, कौन? वाचन कौशल। तो प्रसंख्या चार का यहाँ उच्चारण दिखाई दे रहा है, तो उच्चारण से ही हमें लग रहा है कि यह वाचन ही होगा, क्योंकि उच्चारण और वाचन कुछ मैच कर रहा है, नहीं बहुत मैच कर रहा है, क्योंकि वाचन में ही तो उच्चारण होता है, बोला जाता है, तो उच्चारण दिखा नहीं कि वाचन है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। कोश उपयोग कौशल, कोश जो शब्दों का अंतः अर्थ होता है उसको कोश कहते हैं, उसका उपयोग करना कोश कुशलता है, अर्थात इसमें न ए सही होगा, न बी सही होगा, न डी सही होगा, प्रसंख्या चार का सी सही होगा, ठीक है। अब हम प्रसंख्या पांच की चर्चा कर रहे हैं आपसे। गीता एका कथा संग्रहम पठति, गीता एकम कथा संग्रहम पठति एवं प्रकारकम पठनम कथ्यति। गीता नाम की एक लड़की है जो एक कथा संग्रह पढ़ती है, कथा संग्रह कथा कहानी, ठीक है, कथा कहानी आदि को पढ़ती है। एवं प्रकारकम पठनम, एवं माने इस प्रकार का पठन कथ्यते कहा जाता है, एवं माने इस प्रकार कम पठनम कथ्यते इस प्रकार का पठन क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में लिखा है परीक्षार्थम पठनम इति,
परीक्षार्थम, अर्थम का अर्थ है यहाँ पर के लिए, परीक्षा के लिए पढ़ना इति ऐसा। आनंदार्थम पठनम, आनंद के लिए पढ़ना ऐसा। विश्वासार्थम पठनम इति, विश्वास के लिए पढ़ना। सूचना प्राप्ति इच्छा इति, सूचना प्राप्ति की इच्छा से पढ़ना। देखिए आदमी मानव क्या होता है, कभी कभी जब घुटन महसूस करता है तो कोई किताब ले लेता है, कोई कथा कहानी इत्यादि की किताबों को लेकर के वह मनोरंजन करने के लिए पढ़ता है, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य जो होता है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, कभी कभी बैठे हैं आपको ऊबन होने लगी तो उसने आपने सोचा चलिए कोई नॉवेल निकाल करके हम पढ़ते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद इत्यादि की जो कहानियाँ हैं, नमक का दरोगा है, लाठी है और विभिन्न प्रकार की जो कहानियाँ हैं, चलो निकाल करके पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। तो आनंद के लिए यह जो है गीता पढ़ती है, आनंद के लिए। तो गीता एक कथा संग्रह जो है किस लिए पढ़ रही है, तो वह आनंद प्राप्ति की इच्छा से पढ़ रही है, ठीक है ना। तो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रही है, न विश्वास के लिए पढ़ रही है और न ही सूचना प्राप्ति के लिए पढ़ रही है, वह सिर्फ आनंद प्राप्ति के लिए ही पढ़ती है। फिर प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि यदा छात्र कक्षायां गृह कार्यम न कृत्वा आगच्छति तदा शिक्षकेण किं कर्तव्यम्। जब कोई छात्र कक्षायां गृह कार्यम, कक्षा के गृह कार्य को न कृत्वा, नहीं करके, कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, न करके आगच्छति, आता है, कोई कार्य शिक्षक के द्वारा की दिए हुए गृह कार्य को कोई छात्र करके अगर नहीं आता है, तदा शिक्षकेण किम कर्तव्यम, तब शिक्षक के द्वारा किम माने क्या, कर्तव्य माने करना चाहिए, यहाँ पर क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है करना चाहिए। तव्यत का प्रयोग 3 लकारों में किया जाता है, लोट लकार, लृट लकार और विधिलिंग लकार। जो यह तव्यत है, तव्यत प्रत्यय, तव्यत, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार, लोट लकार और लिट लकार, इन तीनों लकारों में किया जाता है, ठीक है ना। तव्यत और अनियर, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग जो होता है वह 3 लकारों में किया जाता है, ठीक है ना। तो क्रीधन तव्यत कर्तव्यम, करना चाहिए, तब शिक्षक के द्वारा क्या करना चाहिए बताइए, आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आप हमारे सभी जो मित्र हैं सब सरकारी मास्टर हो गए, ठीक है। अब आप मान लीजिए शिक्षक हैं, आपका कोई छात्र है, आप उसको गृह कार्य दिए और वह कार्य करके नहीं आता है, तो क्या करेंगे, आपका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। उसको क्लास से मार करके भगा देंगे, उसको प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे कि उसके कारणों को पता करेंगे कि किस कारण से नहीं करके आया है, कि कुछ भी नहीं करेंगे आप। तो प्रश्न संख्या ए ऑप्शन में लिखा है कि तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयास कर्तव्यम। तस्य माने उसके कारणों को जानने के लिए हम प्रयास करना चाहिए, उसके कारणों को जानने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अर्थात ऑप्शन यह सही है, ए सही है। छात्र दंडम दत्वा गृहम प्रेषयतु, छात्र को दंड दत्वा माने मार करके घर भगा देना चाहिए, यह गलत है। प्रधानाध्यापकम प्रति प्रेषणीय, प्रधानाचार्य के पास उसको भेजेंगे, यह भी नहीं सही है। प्रधानाचार्य के पास काहे भेजेंगे आप, एक अच्छे अध्यापक हैं उसको पता लगाइए क्या कारण था, बीमार तो नहीं हो गया, उसके घर में लाइट थी कि नहीं थी, कोई दिक्कत थी, कोई समस्या थी, इस बात को तो आप जानेंगे, तब जाकर के उसके कारणों को आप पता लगाएंगे ना, कि बस लाठी उठाए तोड़ना चालू कर देंगे। अब न किम अब करणीय, कुछ भी नहीं करना चाहिए, यह भी गलत है। अर्थात इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 7 में लिखा है कि सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत, सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है। जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, निरंतर व्यापक विस्तार से जो मूल्यांकन किया जाता है, उसके अंतर्गत क्या आता है। छात्र सर्वदा आनंदेन कार्य निमग्नाः भवन्ति, छात्र हमेशा आनंद के कार्य में निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, आनंद लेते हैं, यह भी गलत है। यह मूल्यांकन थोड़ी ना है कि आप जो हैं सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र को हमेशा आनंद के कार्य में छोड़ देंगे, खेल कूद ही करेंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, उनके भविष्य की चिंता आपको है ना। फिर बी आता है छात्राः शैक्षणिक भारम अधिकम निर्वहन्ति, छात्र जो हैं शैक्षणिक भार को अत्यधिक वहन करते हैं, ढोते हैं, यह भी गलत है। अगर छात्र जो है शैक्षणिक कार्य को अत्यधिक वहन करेगा, ढोएगा, तो उसका जो है पठन पाठन सुचारू ढंग से नहीं हो पाएगा, यह भी मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। फिर प्रश्न संख्या सी में लिखा है
कि छात्राः पूर्णतया अध्यापकानां नियंत्रणे सन्ति। छात्र जो है पूर्ण रूप से अध्यापकों के नियंत्रण में रहते हैं। छात्र यदि हमेशा अध्यापक के नियंत्रण में रहेगा तो भी उसका ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वह मानसिक रूप से दबाव महसूस करेगा। और जब वह मानसिक रूप से दबाव महसूस करेगा तो अध्यापक जो है स्वतंत्र रूप से वह पठन पाठन की क्रिया नहीं कर पाएगा, अर्थात यह भी गलत है। फिर प्रश्न संख्या डी में आता है कि शिक्षक छात्राणां मूल्यांकन आकलनम नियमित रूपेण क्रियते। शिक्षक छात्रों के मूल्यांकन का आकलन नियमित रूप से करते रहना चाहिए, यही इसका ऑप्शन होगा। तो सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है कि निरंतर विस्तार से जो मूल्यांकन किया जाता है वह शिक्षक छात्रों के मूल्यांकन का आकलन परीक्षण नियमित रूप से क्रियते माने करना चाहिए कि छात्र कितना पढ़ा, वो गृह कार्य किया कि नहीं किया, पढ़ने में कितना योग्य है, कितना कुशल है, उसको क्या करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान शिक्षक करता है और यही सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके सामने रहे। निश्चित रूप से मैं इस एक प्रश्न इसमें से परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा, आप देख लीजिएगा, मेरा विश्वास है, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप मानिएगा। ठीक है, अगर यह मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी तो मैं मित्र आप सभी से निवेदन करूँगा कि चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमः संस्कृताय।